तो भी गुरुजी ने जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई। वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी जिससे मेरे मन को संतोष हो। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह, अज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। रामकथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरणी, मंथन की जाने वाली लकड़ी है, अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। रामकथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और ब्रह्म रूपी मेढकों को खाने के लिए सर्पिणी है। यह रामकथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा है। यह संत समाज रूपी शीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। यमदूतों के मुख पर कालिक लगाने के लिए यह जगत में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास के लिए तुलसी, तुलसीदास जी की माता के समान हृदय से हित करने वाली है। यह राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्त चित्रकूट है और सुंदर स्नेह की वन है जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति, धन, धर्म और परमधाम के देने वाले हैं। ज्ञान, वैराग्य और योग के लिए सद्गुरु है और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार के समान है। ये सीताराम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता है और संपूर्ण व्रत, धर्म और नियमों के बीज है। पाप, संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले हैं। विचार, ज्ञान रूपी राजा के शूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त्य मुनि हैं। भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम, क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों के मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं और दरिद्रता रूपी दावानल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि हैं। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों, मंद प्रारब्ध को मिटा देने वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान और सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान है। मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है और सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुकवि रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारा गण के समान और श्री राम जी के भक्तों के तो जीवन धन ही है। संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान है। जगत का छल रहित यथार्थ हित करने में साधु संतों के समान है। सेवकों के मन रूपी मान सरोवर के लिए हंस के समान और पवित्र करने में गंगा जी की तरंग मालाओं के समान है।
श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार्ग, कुतर्क, कुचाल और कलयुग के कपट, दम और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही हैं, जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा के किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदिनी और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक हैं। जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार श्री शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूँगा। जिसने यह कथा पहले न सुनी हो वह इसे सुनकर आश्चर्य न करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वे यह जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है, राम कथा अनंत है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है। नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण है। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्र को मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। श्री रामचंद्र जी अनंत है, उनके गुण भी अनंत है और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल हैं, वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करने और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पावे। अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संवत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। चैत्र मास की नवमी तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहाँ श्री अयोध्या जी में चले आते हैं। असुर, नाग, पक्षी, मनुष्य, मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सूर्य जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सूर्य जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी भी नहीं कह सकती। यह शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम की देने वाली है। सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में अंडज, स्वेदज, उद्दिज और जरायुज 4 खानी प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें से जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसार में नहीं आते। जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों की देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके सुनने से काम, मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं। इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है, वह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावनी और पवित्र मानस की शिवजी ने रचना की। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता को तथा कलयुग की कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इसी से शिवजी ने इसको अपने हृदय में देखकर
और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी रामकथा को कहता हूँ, हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार हुआ, अब वही सब कथा मैं श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूँ। श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुंदर सात्वी की बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र हैं और साधु संत मेघ हैं। वे साधु रूपी मेघ श्री राम जी के सुयश रूपी सुंदर, मधुर, मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं।